नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो, आबाद रहो, मेहनत करते रहो। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यूपी एकेडमी को अधिक से अधिक संख्या में आप सब्सक्राइब करें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों के यहां इसे शेयर करते रहें ताकि वे लोग भी इस वीडियो का लाभ ले सके। आज के सत्र में सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, दो ट्रिक्स बेहतरीन लेकर के आया हूं जीके से संबंधित। वेदों के 6 अंग और उपनिषदों के 6 दर्शन। तो आज हम चर्चा करेंगे सबसे पहले वेदांग यानी वेदों के 6 अंग। ट्रिक है शिकवा करो या शिकायत करो। देखिए ये गाने का एक तर्ज है कि शिकवा करो या शिकायत करो, लेकिन चलिए आज हम वेदांग की ट्रिक की बात करते हैं। शिकवा छंजा, सी से शिक्षा, क से कल्प, वा से व्याकरण, छ से छंद, न से निरूप, अजा से यानी ज से ज्योतिष। इस तरह से देखिए वेदांग की रचना क्यों करनी पड़ी। वेद जब पहले से ही उपलब्ध है, 4 वेद पहले से उपलब्ध थे, 4 उपवेद पहले से उपलब्ध थे, फिर वेदांग की रचना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसका मुख्य कारण एक है कि वेदों की भाषा एवं उपवेदों की भाषा बहुत कठिन होने के कारण ऋषि और मुनियों ने वेदों को भली भांति से समझने व समझाने के लिए ऋषियों ने 6 वेदांगों की रचना। मेरा कहने का मतलब कि वेद और उपवेद की भाषा कठिन थी, अब उसको सरल भाषा में समझाने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई जिसमें सरल भाषा का उपयोग किया गया ताकि एक आम नागरिक भी वेदांगों के माध्यम से वेदों को समझ सके। देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण यहां पर पॉइंट है, प्रतिसाख्य। प्रतिसाख्य क्या है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो प्रतिसाख्य वैदिक शिक्षा संबंधी प्राचीनतम साहित्य। प्रतिसाख्य वैदिक शिक्षा से संबंधित सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है या साहित्य कह सकते हैं। नेक्स्ट षड दर्शन, उपनिषदों के 6 दर्शन यानी षड दर्शन कितने होते हैं, षड में ही छिपा हुआ है, ये 6 होते हैं। ये षड दर्शन क्या है, उपनिषदों के 6 दर्शन है। आइए देखते हैं योग गुरु पतंजलि, योग से हुआ योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि से पतंजलि, योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि। न्याय से न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन, गौतम ऋषि। कपों की संख्या, कपों से हो गया कपिल मुनि। संख्या से हो गया सांख्य दर्शन के प्रतिपादक, तो कपिल मुनि कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रतिपादक। विशेष कण, विशेष से हो गया वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक, और कण से हो गया काद ऋषि, तो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन माने जाते हैं, कणाद ऋषि। पीएम जी, यहां पीएम का मतलब प्रधानमंत्री नहीं है दोस्तों, बल्कि पी का मतलब पूर्व, एम का मतलब मीमांसा यानी पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक। जी से हुआ जैमिनी, पूर्व मीमांसा के प्रतिपादक कौन, जैमिनी। उमा के बाद उ से उत्तर, मा से मीमांसा यानी उत्तर मीमांसा के प्रतिपादक, बाद से हुए बादरायण। आगे देखिए सत्यमेव जयते बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, कई बार परीक्षा में आया है। तो प्रश्न उठता है कि सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये मुंडकोपनिषद
108 उपनिषदों में से एक है। यानी उपनिषदों की संख्या कितनी? 108। इसी 108 उपनिषद में से मुंडकोपनिषद एक है। उपनिषद का अर्थ क्या होता है? शिक्षक के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। उपनिषद का अर्थ पास बैठना। यानी प्राचीन काल में शिष्य ऋषि मुनियों के आश्रम में उनके पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करते थे, जिसको हम उपनिषद के रूप में जानते हैं। सबसे बड़ा उपनिषद बृहद कार्बोहोल्डियो उपनिषद। देखिए सबसे बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बृहद कार्बोहोल्डियो उपनिषद। प्रमाणिक उपनिषद केवल 12 महीने 12 होते हैं, तो प्रमाणिक उपनिषद भी केवल 12 ही हुए। वैसे तो उपनिषदों की संख्या 108 है, लेकिन इसमें प्रमाणित उपनिषद केवल 12। आप इन सब पॉइंट्स को विधिवत तैयार करें, नोट्स बनाकर तैयार करें, बार बार वीडियोज को पढ़ते रहे, दिमाग में से सेट कर लीजिए, आपको बेहतर तरीके से ये समझ में आएगा। इसी के साथ सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का सत्र समाप्त होता है। मैं लाल सर आप लोगों का बहुत बहुत पुनः स्वागत करता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, पसंद भी कर रहे हैं। इसी के साथ आप सभी लोगों को लाल सर के तरफ से जय हिंद, लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।